काला मूसा ने कहा इन्नहु बेशक वो रब्बे करीम यकुलू वो कहता है इन्नहा बेशक ये बकरतुन गाय हो ला ना जलूलुन। अब आप जितना मांगे हाजिर है ना, सख्ती जितनी मांगे। अल्लाह ने यही कहा ना, ए मुसलमानों क्या तुम ऐसे अपने नबी से सवाल करोगे कमा सुइला कौमी मूसा, जैसे कौमी मूसा ने सवाल किए थे। साहबा ने एक दो बातों के मुतल्लिक तफसीलात पूछी ना, तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों जिस बारे में अल्लाह की तरफ से हुक्म ना है खामोशी अख्तियार किया करो, फिर तुम पर ऐसे हुक्म आ जाएंगे जो तुमसे पूरे नहीं होंगे। लिहाजा ये कुरेद कुरेद करना ना छोटी छोटी बातों में, यही आप देखिए कि हैज के दौरान कुरान पढ़ने पर मुमानियत नहीं है ना, कैसा ढूंढते फिरते हैं मुमानियत को, कैसा ढूंढते फिरते हैं। ये है बगैर सबक के जो हुक्म सामने हैं, कितने आकाम सामने हैं वो नहीं मानने, पर्दे का हुक्म नजर नहीं आता, झूठ ना बोलो, नज़र को बेहयाई से बचाओ, यानी कि टीवी ना देखो, ये चीज़ें किसी को नज़र नहीं आती, मौसीकी ना सुनो, ये इतने बड़े बड़े हुक्म वो किसी को नज़र नहीं आते। है इसमें कुरान पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, हर कोई महाज बना के बैठा हुआ है, हालांकि कोई हुक्म मौजूद नहीं। ये है ये फिक्र जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, सादा बात नहीं समझ आनी, उसको घोल घोल के घोट घोट के बाल की खाल उतारी जानी। लिहाजा कहने लगे इन्नहा बकरतुन, बेशक ये गाय है, हजरत मूसा ने कहा ला नहीं जलूलुन, जलूल की रूट कोई बताएगा, गा लाम लाम, पीछे क्या लफ्ज पड़ा, जिल्लतुन, अल्लाह ने कहा ना वदुरिबत अलैहिमु जिल्लतु वल मत्तनतु, तो ये उसी से है, जलूल होता है मुती हो जाना, किसी के कब्जे में आ जाना। तो आपको पता है ना गाय भैंसे जो है आगाज में जरा अखड़ होते हैं, फिर इनको टेम कर लेते हैं, फिर ये अपने मालिक की बात मानते हैं, तो वो जानवर जो टेम हो गया हो, तो ये जुलूल ना हुई हो, किसी की मुती ये फलमान ना हो, ठीक है। तो सीरुल अर्ज से वावरे इसकी रूट है, आपके लिए नया लफ्ज है। सारा यसीरु सौर का मतलब होता है खोदना, उठाना भी होता है इसका मतलब, एक तरफ खोदना कुरेदना, दूसरी तरफ उठाना, तो बादलों को उठाना, हवाएं जो बादलों को उठाती हैं, खोदने से जो गुबार ऊपर उठता है ना उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो बैत वक्त ये दोनों मफहूम रखता है, खोदना कुरेदना और ऊपर उठाना। तो आप देखेंगे बुखारात बनते तो बादल ऊपर उठते हैं ना, इसी तरह ज़मीन खोदी जाती है तो गुबार ऊपर उठता है ना, तो बैल को इसीलिए सौर कहते हैं क्योंकि ये खोदता कुरेदता है और इसके खोदने कुरेदने से जो ये होता है गुबार जो होता है ना ये भी ऊपर उठता है, ठीक है। तो सारा यसीरु के दोनों मफहूम होते हैं, खोदना कुरेदना ऊपर उठाना। तो यहाँ तुसीरुल अर्ध जमीन को खोदने वाली ना हो, हल चलाने वाली ना हो, क्योंकि बकरा में गाय और बैल दोनों का मफहूम पाया जाता है ना, हल ना चलाया हो इसको, काम ना किया हो किसी का। वाह और ला ना तस्ती क्या है, सी आ या ता जो है ना ये वही है अलामत, ठीक है, तो मुअन्नस की अलामत है। ना उससे पानी दिया हो, तस की पानी पिलाया हो, इस तस का आपने देखा था ना, तो इस तस्का से ही एक रूप एक शक्ल जो है वो तस की है, उसने पानी ना पिलाया हो। हर सा खेती को, हर खेती को कहते हैं हारा सा, हर खेती, इसी से हारिस नाम होता है, हर्ष भी नाम हुआ करता था, ठीक है। जो थे ना यासिफ रजी अल्लाह अन्हु हज़रत के वालिद, तो वो उनके एक बेटे का नाम हर्ष था ना, हर्ष था। हाँ जी बिल्कुल, सक्का जो आप इस्तेमाल करते हैं इसी से करते हैं, साकी भी होता है इससे, तो साकी होता है पिलाने वाला, ये तो अब शायरी में आकर मखसूस हो गया है शराब पिलाने वाले के लिए, साकी का लफ्ज़ी मतलब होता है पिलाने वाला, तो फिर अब उर्दू शायरी में मखसूस कर लिया गया इसे शराब खाने के मौसम के लिए, ठीक है। वला तस्किल हर्स, ना वो खेती को पानी देती है, यही काम लिए जाते हैं ना बैलों से गायों से कि हल चलवाया जाता है, रहड़ के आगे लगाया जाता है, वो रहड़ चलाती है पानी आता है। अल्लाह ने कहा मतलब क्या है, किसी की मुती ना हो, आज़ाद हो, किसी का काम ना किया हो, अब ढूंढो जा। अब ये मुश्किल है ना, जिसके पास गाय होगी या बैल होगा वो तो काम कराएगा, वो घर में थोड़ी बिठाए रखेगा। मुसल्लमतुन क्या रूट हो सकती है, शाबाश, सीन लाम मीम, सलामती, मुसल्लमतुन सही सलामत हो, ता अलामत है मोहन्नस की, वो बिल्कुल सही सलामत हो, लंगड़ी लूली ना हो, अंधी कानी ना हो, भेंगी ना हो, जख्म ना लगा हो, कोई कान उसका ना कटा हो, बिल्कुल सही हो, ला ना हो शियाता। अच्छा हम ला शिया पढ़ते हैं है ना, ला वैसे जब आप जबानी में पढ़े तो ठीक हो गया, लेकिन ला अलग है शिया अलग है, ला ना हो शिया, दाव दब्बा, वाओ शीन
या इसकी रूट होती है। वशी कहते हैं अलामत या निशान को, कढ़ाई को भी कहते हैं, क्योंकि कढ़ाई जो है वो कपड़े के रंग से अलहदा ऊपर नज़र आती है ना, तो किसी चीज़ के असल रंग के ऊपर दूसरा रंग लगाना असल में वशी, तो दब्बे को कहते हैं, ठीक है। तो शिया का दब्बा ना हो, दब्बा फीहा इसमें। अब किसी ने मुझे कहा कि हमें किसी ने बताया है कि चेहरे के दाग दब्बों दानों के लिए इसको पढ़ें 41 मरतबा और मुंह पर फूंकें। अब मुझे बताएं कि ये हुक्म है ला शिया तफीहा, उसमें दाग दब्बा ना हो, इसमें दुआ है? देखें जी, आप वजू करें और बावजू रहें हर वक्त, आपका चेहरा खुद ही निकल जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, मैं आपको ये एक जो है स्किन स्पेशलिस्ट है, नाम मेरे जहन में नहीं है, पाकिस्तान के मशहूर स्किन स्पेशलिस्ट है, तो उनका वो था इंटरव्यू में पढ़ रही थी, अखबार में पढ़ रही थी, तो वो ये बता रहे थे, उनसे उन्होंने पूछा कि जो मुख्तलिफ ब्यूटी सोप आते हैं और बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उनका ये सब कहानियाँ हैं, कोई ब्यूटी सोप और कोई ये जो फेस वॉश है इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई सॉफ्ट ब्यूटी सोप नहीं होता, ये सिर्फ आपके चेहरे की चिकनाई को धोते हैं मगर ये साथ ही नुकसानदेह भी होते हैं। तो उन्होंने कहा फिर बच्चियाँ क्या करें, अक्सर बच्चियों को मसला पेश आता है, दाने निकल आते हैं और ऑयली स्किन होती है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा देखिए वजू किया करें, जो बंदा ये उनके अखबार है, मैं नहीं बता रही, मैं आपको नाम बता दूँ, मैं जैन सिंह का नाम उतर गया क्योंकि मैंने काफ़ी साल डेढ़ साल पुरानी बात है जब मैंने पढ़ा था, मेरे पास उसकी कटिंग पड़ी होगी। तो उन्होंने कहा कि वजू करें, क्योंकि वजू जब बंदा 5 दफ़ा दिन में करता है और 3-3 दफ़ा मुंह धोता है तो 15 दफ़ा मुंह धुलता है, तो चेहरे का क्लीनर असल में पानी ही है, तो आप पानी से अच्छी तरह अगर मुंह धोएंगे तो ऐसा होगा कि आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और दाने वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पानी का इस्तेमाल करें और उसकी सबसे अच्छी सूरत यह है कि आप वजू किया करें बच्चों, ये उन्होंने कहा। तो अब देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू को तो अलहदा इबादत करार दिया है ना, और हर वक्त बावजू रहना एक अलहदा इबादत है ना, तो आप हर वक्त बावजू रहें, इबादत भी है और आपके चेहरे भी निखरेंगे। आप कभी देखें जो लोग नमाजी होते हैं तो उनके चेहरों पर खास किस्म का ग्लो होता है, नमाज की बरकत तो है ही है लेकिन वो वजू की वजह से, ठीक है। तो लिहाजा आप क्या करें, हर वक्त बावजू रहें, आपको ये चेहरों के दानों से इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये कोई वजीफा नहीं है, वजीफे में कोई सेंस तो होनी चाहिए ना, यानी कि कोई बात तो बनती हो, जैसे मुर्दे पे पढ़ना बैठ जाते कुल हु अल्लाह वहद, कहो अल्लाह है के, कहो अल्लाह है के, मुर्दे को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, मुझे समझाएं, लॉजिक समझाएं, है ना। इसी तरह मैंने आपको कहा जैसे वो आयत करीमा का ख़त्म कराएंगे, अब जिसका मसला है वो गुस्सा हुआ किचन में, वो खत्म किचन में और सारा मोहल्ला बैठ के कह रहा है मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती, और पहले तायुन कर लो गलती किसकी है, कौन माफ़ी मांग रहा है ना, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मुझे दुआ की ज़रूरत है और मेरी अंसाई कह रही है अल्लाह जी मेरी गलती है, और उसकी गलती कैसी होगी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरी गलती है, हमें कोई अकल नहीं है, हमने खेल बनाया हुआ दीन को है। आप देखिए आपको हंसी आ रही है ना, जो पढ़े लिखे लोग सुनेंगे जो मुसलमान नहीं वो भी हंसेंगे ये कैसे बेवकूफ़ है ना, हमने दीन को हंसी खेल बना दिया। तो लिहाजा यहाँ भी अल्लाह फरमा रहे हैं ऐसी गाय लाओ मुसल्लमतुल लाशिया तफीहा, जो बिल्कुल सही सालम और लुलुई लंगड़ी ना हो और उसमें कोई दाग धब्बा ना हो। अब आप कहें मुसल्लमतुल लाशिया तफीहा ऐसी हो कि लुलुई लंगड़ी ना हो और दाग धब्बा ना हो और मुंह पे फूंकी जाए, आपको क्या फ़ायदा होगा भैया? जी हाँ, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया असीरुल कुरान, कुरान को खोदो, कुरान को उधेड़ो, कुरान को समझो, ठीक है, कुरेदो, बिल्कुल कुरान को ऊपर ऊपर से ना पढ़ो, इन्नहु इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, क्योंकि कुरान में अव्वलीन व आखिरीन का इल्म है, तो इसको सतही मत पढ़ो, इसको गौर व फिक्र के साथ पढ़ो। तिलावत का मतलब पता है, बताया था ना, तिलावत का मतलब होता है माने साथ साथ चले, ठीक है। तो लिहाजा ये लाशिया तफीहा कोई वजीफा नहीं है, अल्लाह ने कहा अब ऐसी गाय लाओ जो किसी की पाबंद ना हो, ना उसे कभी ज़मीन में हल चलाया हो, ना कभी रहट खींचा हो, बिल्कुल सही सालम हो, लूली लंगड़ी अंधी कानी ना हो और उसमें कोई दाग धब्बा ना हो, उसका पूरा आपको पता है ना, गाय अमूमन आपने कभी देखी होगी तो दो तीन कलर होते हैं, एक कलर है तो उसमें एक दो जगह पर धब्बे होते हैं, नॉर्मली बहुत रेयर है कि कोई गाय ऐसी मिले जो पूरी की पूरी ब्राउन हो,
वो टांग के ऊपर इतना सा पैच होगा, माथे के ऊपर इतना सा होगा, है ना, वो उस पर फिर नाम रख देते हैं चंदरी वगैरह, तो कहते हैं ऐसे बना होता है ना गोल सा, तो वो देहात के बच्चे प्यार से तो कहते हैं चांद बना, तो वो फिर नाम रख देते हैं चंदरी चंदू इस तरह से, जो कुदरती एक बात है। तो अल्लाह ने कहा जाओ ढूंढो ऐसी गाय कि पूरी ब्राउन हो, हेड टू टेल उसमें कोई दब्बा कोई निशान हो, ढूंढो जाओ। कालू कहने लगे अल आना, अब आलान का मतलब होता है अब, जीता तू लाया, जीता जो है ये जा आते है, ठीक है, जा आते है जीम या हमजा इसके लिए, जा का मतलब होता है आना, तो जब जा आ ये जीयू के साथ बी आ जाए तो फिर हो जाता है लाना, तो आगे लाना बिलहक आ रहा है ना, जीता भी अब लाया तू अल हक, सही बात, हालांकि सही बात तो पहले ही आई थी, अल्लाह की बात थी, मगर कहने लगे अब तो कोई सही बात लेकर आया, अब तो ऑथेंटिक बात लेकर आया है मूसा। बात पता क्या है, हम समझते हैं कि अल्लाह तो बैठे हुए हमें तकलीफों में डालने के लिए, ये ऐसे ही है जैसे कोई आता है कहते हैं मैं बड़ा परेशान हूँ कोई वजीफा बता दो, आप कहते हैं दो रकत नमाजें हाजत पढ़े, वो कहते हैं नहीं वो तो है कोई वजीफा बताए, आप कहते चलो आज करीमा पढ़ लें, नहीं वो तो पढ़ते हैं कोई वजीफा बताए, तो अगर आप उनको बताएं ना कि आसमान के नीचे नंगे सर पानी का तसला भर कर सर्दी के मौसम में एक टांग पर खड़े होकर पढ़ो, फिर बड़ा भी कुछ बनाना है, बड़ा वजीफा बताया जलाली था, है ना। जब आप कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करो तो कहते हैं वो तो करते हैं कुछ और बताओ, ये वही बात है, दिलों को मर्द लगे हुए हैं ना, हम अल्लाह को पता नहीं क्या समझते हैं कि अल्लाह शायद कोई खेल रहा है तो हम कोई ज़्यादा तकलीफ से खेल खेलेंगे तो अल्लाह को ज़्यादा कोई राहत खुदा न खास्ता महसूस होगी, रब तो करीम है, वो तो एक जुमला सुनता है, जैसे यूनुस अलैहि सलाम ने कहा था ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, मूसा अलैहि सलाम ने क्या कहा था रब्बी इन्नी लिमा अंज़ल्तु इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह ने फौरन रहने सहने का शादी का भी बंदोबस्त कर दिया, उन्होंने कहा अल्लाह जी मुझे जो भी आप नेमत दे दे मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, मैं तो खाली हाथ हूँ ना घर ना दर, अल्लाह ने क्या किया बेहतरीन घर में ठिकाना दिया, माल मवैशी दिया और शादी भी करवा दी, हालांकि शादी को तो मूसा अलैहि सलाम ने सोचा भी नहीं होगा, हाल तो ये था वो खाने को तरस रहे थे उसको, फिर अल्लाह ऐसे देखो। इसी तरह क्या मांगा था हजरत आदम अलैहि सलाम ने, रब्बा ना जलम नाम सुसन वम तख्तर लाना बता हम नलना को नन्ना मिनल खासिरीन, कोई वो यानी अल्लाह ने ये थोड़ी कहा था कि सर के बल खड़े होकर दुआ करोगे तो कबूल करो, बस दुआ मांगी अल्लाह ने कबूल कर ली, हमें अल्लाह पे एतमाद ही नहीं है, बुतों को बुतों से तुझको उम्मीदें हैं खुदा से न उम्मीदी, मुझे बता दो सही और काफरी क्या, अल्लाह पे एतमाद ही नहीं, अल्लाह ने कहाँ से देना है ना, कोई बाबा ही ढूंढ लो। लिहाजा जनाब इन्होंने कहा कालुल आनन जीता बिल हक, मूसा अब लाया है तो सही बात, यानी इतनी देर से मूसा पर एतबाद नहीं, असल जो चीज़ है ना जो दिल को दुखती है, आप अपने बच्चे को कोई बात कहें और बच्चा कहे नहीं ऐसे नहीं होता तो कितना बुरा लगता है, बच्चे कहते हैं ना जब स्कूल जाते हैं और कोई गलत लफ्ज़ पढ़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं बेटा ये ऐसे क्यों, कहते हैं नहीं टीचर ने ऐसे ही बताया, तो कितना बुरा लगता है ना, हालांकि उस बच्चे के पास तो दलील होती है ना कि टीचर ने बताया, बाज़ अवक़ात टीचर ने गलत बताया था, बाज़ अवक़ात बच्चे ने गलत समझा होता है लेकिन वो बहस करता है ना, यहाँ तक कि टीचर को जाकर कहना पड़ता है टीचर से सही कराती है, ऐसे ही है। तो अब नूरुल हुदा के दिन याद करी थी पोइम, तो उसमें साहिब लगता तो पढ़े साहब साहब, मैंने कहा साहब नहीं तो साहिब होता, कहते मेरे टीचर ने ऐसे ही बताया, तो फिर टीचर ने तो नहीं बेचारे ने बताया था, या हो सकता रवानी में कह दिया हो बेचारी ने, तो उसको फिर मैंने मैसेज किया, फिर उसने अगले दिन उसको बताया तो फिर मुझे कहने लगी टीचर ने कहा था कि ये साहिब होता, तो फिर बुरा लगता है, बुरा लगता है इंसान को, दिल पर कैसियत आती है कि यानी बिल्कुल ही जीरो कर दिया बच्चों ने हमें। आप देखिए मूसा अलैहि सलाम नबी हैं, कैसी कैसी आजमाइशों से निकाल कर लाए, कितने साल उन पर सब्र कर दिए और अभी तक वो शिशुपंज में हैं, हकीकत नहीं है जाहिर कर रहे हैं, दिल उनका वैसी रह की कैफियत में है ना, कि पता नहीं मूसा कह रहा है या खुदा कह रहा है, मूसा कह रहा है या रब कह रहा है, हालांकि मूसा बेचारे हर दफ़ा क्या कहते हैं इन्ना यकूल, वो कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, तो अब कहते हैं अल आन जी तबिल हक, अब लाया है तो दलील किस बात की, ये अल्लाह का हुक्म, अब लाया है तो दलील। जी हाँ हमें भी यही लगता है ना, जब तक हमें डंडे नहीं मारे जाएंगे अल्लाह का तो हुक्म ही नहीं हो सकता। फा तो जबा हू हा, हा जमीर है हा गाय की तरफ, जबा वा, अच्छा ये पढ़े वाव अलिफ था, जब हा की जमीर लगी तो अलिफ गिरा दिया गया, तो वाव अलिफ आपको पता है वो भी निकल गया तो बाकी बचा जबा,
फिर उन्होंने ज़िबाह किया उसको, कंपाउंड की शक्ल चेक करें, फा लहर्स है, ज़बहा फेल है, वाव अलिफ उसकी जो है फेल की साथ लगी हुई ज़मीर है, और हा जो है वो अलहदा ज़मीर है जो गाय के लिए। ये चार मुख्तलिफ लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बना, कंपाउंड है, मुरक्कब। फ़ज़बहूहा तब जाकर ज़िबा किया उन्होंने उस गाय को, वमा नहीं थे कादू, कादू से कुछ पड़ा है पीछे मिलता जुलता, यकादुल बर्कु, शाबाश, उसी से कादू, काव वाव दाल, नहीं थे वो, लगते नहीं थे, कादू का मतलब होता है करीब होना, दूर होना, कि करीब नहीं थे, माँ आगे ना साथ, माँ कादू, करीब नहीं थे, या फालून ऐसा करने के, यानी वो ऐसा करने वाले थे नहीं, अल्लाह ने करवा के छोड़ा, अल्लाह ने करवा के छोड़ा, करने वाले नहीं थे। चलिए यही किस्सा कल चलेगा, इसकी तफसीली तफसील भी होगी, ये मुकम्मल भी होगा, ये बहुत तफसीली वाक्या है, फिर इस पर लगेंगे, तो फिर ये आज की पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। इसके पीछे जो पूरा वाक्या है, जो पूरा किस्सा है, वो इंशाल्लाह जो है वो कल बताऊंगी, वो फिर अगला जो है ना आयत वो जब हम पढ़ेंगे फिर इसके साथ, ठीक है। बताएं क्या कह रहे थे, लकब उनका दूसरा हाथ बताएगी था, और नाम मैं भी बताती हूँ।